बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिनके निधन से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सनसनी मची है। जहां पर सुशांत सिंह राजपूत मामले को 10 महीने का वक्त बीत चुका है, तो आज भी सुशांत की केस की जांच में लगी हुई है सीबीआई और इस मामले की तहकीकात अभी भी जारी है। ऐसे में अब खबर आ रही है उस रेशमा शेट्टी को लेकर जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर सलमान खान से है। जी हाँ, बता दें कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फॉर्मर मैनेजर रेशमा शेट्टी का स्टेटमेंट दर्ज किया गया था सुशांत सिंह राजपूत मामले पर। रेशमा बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज की मैनेजर्स में से एक है। बांद्रा थाने में रेशमा शेट्टी से 5 घंटे की पूछताछ की गई थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में। पुलिस ने अभी रेशमा के बयान का सच किसी को नहीं बताया। रेशमा सलमान खान की मैनेजर के तौर पर साल 2010 से ही काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी। साल 2018 तक सलमान खान का काम संभालती रही मैनेजर रेशमा शेट्टी, उसके बाद अक्षय कुमार का काम संभालने लगी। यहां तक कि रेशमा शेट्टी का कनेक्शन आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ भी था। सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई थी, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत की रूमर गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा शामिल थे। वहीं इस फिल्म में काम करने वाले एक्ट्रेस संजना सांघी और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ की गई थी। बीच में खबर तो ये भी आई थी कि सलमान खान और उनकी मैनेजर रेशमा शेट्टी के बीच तकरार हो गई है, जिसके चलते दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इसी वजह से सलमान खान का काम छोड़ उन्होंने आगे मूव ऑन कर लिया। बता दें कि 5 घंटे की इस पूछताछ में रेशमा शेट्टी ने सलमान खान और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कई खुलासे किए होंगे, लेकिन अभी तक पुलिस ने ये सच नहीं बताया है कि आखिर रेशमा शेट्टी ने ऐसे क्या स्टेटमेंट दिया सुशांत और सलमान खान के कनेक्शन, उनके रिलेशनशिप को लेकर, जिसका सच अभी तक पुलिस छिपा रही है। और अब सवाल ये है कि आखिर सीबीआई कब इस तहकीकात तक जाएगी और कब सीबीआई भी सलमान खान की फॉर्मर मैनेजर रेशमा शेट्टी से सवाल करेगी, ताकि पूरा सच सामने आ सके। क्योंकि जिस तरह सलमान खान का नाम हर बार जुड़ रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस से, तो जरूर कोई बात जरूर होगी जिस वजह से इस तरह के सवाल बार बार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। लेकिन अभी तक रेशमा शेट्टी के स्टेटमेंट का पूरा सच सामने नहीं आया, जिसमें ये बात कही जा सके साफ तौर पर कि सलमान खान सीधे तौर पर सुशांत के केस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट नाइन लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।